Hello, good morning to all of you. I am Atul Jain, physics teacher from Modern Public School Khatoli. So, बेटा मैं last lecture में बेटा मैं आपको define कर रहा था what is the one coulomb और definition of one coulomb. थोड़ा सा incomplete रह गया था. तो बेटा जैसे कि मैं आपको ये formula derive निकलवा चुका हूँ one upon coulomb force one upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. तो बेटा अगर मेरे पास दो चार्ज आइडेंटिकल हैं और अगर उनकी वैल्यू वन कूलाम की है और उनके बीच में डिस्टेंस भी मेरे पास 1 मीटर का है, तो जो एफ की वैल्यू रह गई बेटा मेरे पास 1 upon 4 pi epsilon naught 1 into 1 upon 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाती है. इट मीन्स यहां से डेफिनेशन निकलती है कि व्हाट इज द वन कूलाम. अगर मेरे पास दो चार्ज आइडेंटिकल हैं या यूनिट चार्ज हैं और उनके बीच में सेपरेशन भी 1 मीटर का है, और अगर उन दोनों चार्ज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाए उस फोर्स की वैल्यू अगर 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन की है, तो 100% वो 1 कूलाम ऑफ चार्ज कहलाएगा. ओके Now the next term is dielectric constant or relative electric permittivity, जिसको denote कराया जाता है epsilon r और k से. तो बेटा ये formula जैसे कि हमें पता है as f is equal to 1 upon 4 by epsilon naught q1 q2 upon r square. तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है अगर मान लीजिए दो चार्ज मेरे पास ये वैक्यूम में है, तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. अब अगर इन्हीं दो चार्ज को इतने ही डिस्टेंस पर मैं किसी मीडियम में ले आता हूं, तो जो फोर्स निकलेगी वो मीडियम में निकलेगी, ना कि वो स्पेस में या वैक्यूम में निकलेगी. तो अगर ये दो चार्ज आपके पास मीडियम में हो जाते हैं, तो एफ मीडियम जो हो जाता है 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square. यहां पर एप्साइलन नोड की जगह एप्साइलन आ जाता है. अब व्हाट इज द एप्साइलन? जो एप्सिलॉन होता है इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम. ये जो बेटे परमिटिविटी है ये हमारे पास मीडियम है. और बेटे एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो एप्सिलॉन होता है 100% विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होती है. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये वाला टर्म लेते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, करेक्ट? अब ये जो टर्म है बेटा ये रिवर्स कर कर जाएगी, 4 pi epsilon into r square q1 q2. ये सब टर्म आपके पास बच कट जाती है, तो बचा क्या बेटा आपके पास एप्साइलन अपॉन एप्साइलन. वास्तव में ये जो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम जो है वो आपके पास एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, करेक्ट? इसी को मैडम रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है, और इसको हम कैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना? अब देखो अगर आप यहां से एक चीज समझो, एप्साइलन ऑलवेज ग्रेटर देन एप्साइलन नॉट.
इट मीन्स कि अगर दो चार्ज कोई आप मीडियम में ले आएंगे तो जो फोर्स होगी बिटवीन द चार्ज विल बी डिक्रीज, करेक्ट। और देखो बेटे जो, अब देखो अगर यहां से देखो, एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, तो 101% जो के की वैल्यू होगी, डायलैक्टिक कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी एक से कम नहीं हो सकती। तो ये जो रिलेशन है बेटे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बेटे यहां पर हम खत्म करते हैं। अब हम जो निकालेंगे बेटे, कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान ली बेटे यही हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारे पास R है। मैंने मान लिया बेटे दोनों जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो सेम चार्ज रिपेल ही था। अब देखो बेटे जो Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा और जो Q2 है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो बताओ जो Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा, बताओ बेटे उसकी डायरेक्शन इधर होगी या नहीं होगी, करेक्ट। तो इसको जो बेटे लिखा जाता है F21। तो जो F21 है वो F21 क्या चीज हुई, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, करेक्ट। अब जो Q2 जो चार्ज होगा वो Q1 पर फोर्स लगाएगा, बताओ बेटे उसकी डायरेक्शन ये होगी नहीं होगी। जिस प्रकार से बेटे मैंने इसको F21 लिखा है, यहां पर हम लिखेंगे इसको F12। तो व्हाट इज द F12, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, करेक्ट। एंड जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो R12 इज द यूनिट वेक्टर। तो जो R12 है वो क्या चीज है, इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी। अब Q2 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा तो इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो R21 हो जाएगा। तो जो R21 है इट इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम बी टू ए। अब बेटा हम कूलाम्ब से लगाते हैं वेक्टर फॉर्म में, Q1 जब फोर्स लगाता है Q2 पर तो F21 होगा ना। तो जो F21 हुआ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो बताओ बेटा यूनिट वेक्टर तो उसका पोजीशन वेक्टर तो ये वाला होगा ना, R² तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया और पोजीशन वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर इसका R12। एंड जो F12 होगा तो बेटा वेक्टर फॉर्म में जो भी पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम यहां पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब जो F12 होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अरे बेटा मैग्नीट्यूड तो फिर भी R² लेके। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हमने निकाला बेटा F12, अब इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R21 का यूनिट वेक्टर, करेक्ट। अब बेटा आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है,
A unit vector is equal to A vector upon magnitude A. करेक्ट. अगर बेटा इसी फॉर्मूले से मैं वैल्यू निकालूं R12 यूनिट वेक्टर, तो बताओ बेटा इसको मैं R12 का वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड लिखो नहीं. तो देखो बेटा R12 का मैग्नीट्यूड हो चाहे R21 का मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तो R ही है. तो बताओ क्या बेटा मैं इसको R12 इज इक्वल टू R नहीं लिख सकता. सिमिलरली आप R21 को R21 का यूनिट वेक्टर और R21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 अपॉन R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. अब बेटा मैं इक्वेशन नंबर वन को यूज कर लेता हूं और ये वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं. तो F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. Add R12 की वैल्यू, R12 यूनिट वेक्टर, R. करेक्ट. सिमिलरली हम F12 भी निकाल सकते हैं ऐसे. तो बताओ बेटे जो F12 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर अपॉन R होगी. तो देखो बेटे जो F21 है मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R cube R12 vector. This is the vector form of Coulomb's law. In the similar way आप F12 को भी show कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को भी आप show कर दो तो काम चल जाएगा. 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube dot R21 vector. This is the vector form of Coulomb's law. अब उठे एग्जाम में अक्सर इसका डेरिवेशन तो कभी कभार आ सकता है, आया भी है एक आध बार. जनरली कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है. मैं आपको एक बहुत सिंपल वे बताता हूं कि अगर पेपर में आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे. चाहे कोई सा फॉर्म लो, आप आगे भी बढ़ेंगे आपको बहुत यूजफुल रहेगा वो फॉर्म. देखो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है कूलॉम्स लॉ में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है. करेक्ट. अगर आपसे यही फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, कुछ नहीं करना आपको. आप F के ऊपर इसी फॉर्मूले में आप वेक्टर का सिंबल लगाइए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाइए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए. जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस आपने जिसने सिंबल में उसको डिनोट किया है, उसको आप सिर्फ उसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं. ये भी एक आपकी वेक्टर फॉर्म ही कहलाएगी. और देखो जो आर यूनिट वेक्टर है उसको मैं आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकता हूं. जब मैं यहां लिखूंगा इसको तो बेटा वेक्टर आर यहां आएगा, आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई होकर वो आर क्यूब बन जाएगा. और इसको हम एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R vector upon R. So F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube. अगर आप बेटे ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से, तो बेटे ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है. आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ वेक्टर का निशान लगाइए. जो भी यूनिट वेक्टर, जो भी आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू चार्जेस, आप उसका यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी. तो बेटा मैं समझता हूं देखो आपको ये समझ में आना चाहिए. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बेटे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अक्सर न्यूमेरिकल पेपर में अक्सर आता रहता है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
छोटे डेफिसिट तो आप बुक से ले लेंगे, मैं बुक की अभी आपको कॉपी देखता हूँ अगर आया इसके अंदर तो। ओके बेटे, ये जो बोर्ड लेटर में ना ये डेफिशन आप एज इट इज उतार लेना। देखो समझने की चीज़ आप समझने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। अच्छा अब बेटे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है, पहले थोड़ा सा मैं आपको रीड करके आपको समझा देता हूँ। आप रीड क्या करना है बेटे, सीधा है समझो। देखो बेटे अगर दो चार्ज हैं, अगर कोई दो चार्ज है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। आप आराम से सिंपल कूलाम का फॉर्म लगा सकते हैं, फिजिकल टू वन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर नंबर ऑफ चार्जेस किसी एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ चार्जेस किसी एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो सम ऑफ द जो टोटल फोर्स होगा वो उसका वेक्टर एल्जेब्रिक सम होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, कुछ नहीं है। से मान लीजिए आपके पास एक चार्ज क्यू वन है, इसके आसपास मान लीजिए बेटे एक चार्ज क्यू टू यहां है, एक चार्ज क्यू थ्री यहां है, और इसी प्रकार से मान लीजिए इसके पास क्यू एन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, करेक्ट। तो देखो बेटा इसी प्रकार से देखो बेटा अब आपके पास जो ये वाला चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये जो चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कोई फोर्थ चार्ज है वो भी इसके ऊपर। तो मेरा मान लो बेटा एन चार्जेस हैं, तो अब मुझे एन चार्जेस जो क्यू वन पर फोर्स लगाया है मुझे उसका टोटल फोर्स में कैसे निकालूंगा, तो जो टोटल फोर्स होगी वो उसका वेक्टर एल्जेब्रिक सम होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, कुछ नहीं, करेक्ट। अब मान लिया बेटे मैंने मान लिया बेटे सभी ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बेटे ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा बताओ, ये जो फोर्स लगाएगा बेटे वो इधर लगाएगा नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो फोर्स की वैल्यू हुई एफ वन टू, इट मीन मैंने अभी आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया, तो मैं कह सकता हूं एफ वन टू क्या हुआ, एफ वन टू इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू वन ड्यू टू द चार्ज क्यू टू एंड इट्स पोजिशन वेक्टर विल बी आर टू वन, करेक्ट। इन द सिमिलर वे ये जो चार्ज होगा बेटे ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर। अब मान लीजिए बेटे ये जो फोर्स हो गई वो एफ वन थ्री हो गई, अब इसका भी तो कोई ना कोई पोजिशन वेक्टर होगा। अरे मान लीजिए बेटे इसका पोजिशन वेक्टर मान लिया क्या, ये हो गई पोजिशन वेक्टर इसका ये वाला। इन द सिमिलर वे अब आपके पास ये जो चार्ज होगा, अरे एन चार्ज है तो बेटे ये भी तो फोर्स लगाएगा, ये मान लीजिए एफ वन एन फोर्स हो गई। अब मान लीजिए बेटे इसका जो ये जो फोर्स लगा रहा है एफ वन एन वेक्टर लगा रहा है, इट मीन्स ये जितने भी चार्जेस हैं सभी क्यू वन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाकर इसका एड नहीं कर सकता, इसका जो होगा वो वेक्टर एल्जेब्रिक सम होता है, इसी को ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। देखो मैं रीड करता हूं जो आपको मैंने अभी फोटो दी है, क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय द कूलम्ब्स लॉ। डेफिनेटली दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है वो कूलम्ब्स लॉ में दे देता है। इफ देयर आर ए नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, दे आर द नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, देन द रिजल्टिंग फोर्स ऑन पर्टिकुलर चार्ज मेरे पास क्यू वन हो गया इज ऑब्टेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आपको बोल लेटर वाला लिख लेना है, द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय द ऑल अदर चार्जेस, ईच फोर्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो जो टोटल फोर्स होगी, टोटल और नेट फोर्स जो होगी ऑन द चार्ज Q1, इसको अगर मैं F मान लेता हूं तो जो F हो गया ना बेटे, ये F12 प्लस F13 प्लस अरे F14 हो तो वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, F1n होगी। अब तो बेटे फॉर्मूला क्या है मेरे पास, दो गुलाम के दो चार्ज के बीच में गुलाम से ला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अरे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो बेटा सभी में कॉमन है, करेक्ट। तो जो एफ हुआ तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो बेटा हमने कॉमन निकाली है, करेक्ट। अब आपके पास दो बेटे कॉम्बिनेशन क्या है, वन और टू का,
तो चार कौन कौन से हुए, Q1 और Q2। अरे ये Q1 और Q2 के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा, वही तो उसी का तो मैं स्क्वायर लूंगा। तो यहां पर क्या आ गया, R21 का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में जो भी होता है उसका वेक्टर फॉर्म में ढंग यहां लेते हैं प्लस। अब चार कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, 1 और 3। तो यहां पर जो चार्ज आ गया कौन सा आ गया, Q1 और Q3 अपॉन R31 का होल स्क्वायर और R31 प्लस यहां पर Q3 है। अब आपके पास क्या हो बेटा, Q1 और Qn, तो बना गया बेटा आपके पास Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1। अरे बेटा ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब देखो बेटा यहां से बाद नेक्स्ट टर्म पे आपके न्यूमेरिकल का पार्ट काफी कुछ शुरू हो जाएगा। ओके थैंक यू बेटा, आज मुझे यहीं तक पढ़ाना है आपको।